बड़ा खुशगवार बगले अरगम हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब। जी 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 ऑर्डर। सीन क्या है? बस यही है, हीरोइन आपसे मोहब्बत का इजहार करेगी। इस गल का उन्होंने पता है, हीरोइन के हाथ बड़े मजबूत ने। जी आप बात सुने बिल्लो, आप उधर चली जाइए प्लीज उस एच पे। अच्छा बिल्लो दौड़ के मेरे पास आएगी? बिल्लो आपके पास भागती भी आएंगे, कहेंगे भाई नूरी। अरे देखे ना उसका रोल कितना इंटरेस्टिंग है, सारी डायरेक्शनें दे रहा है और मेरा इतना सा रोल बना दिया लेडी वाला। नहीं देखिए आप, मैं बता रहा हूँ वो आपकी मोहब्बत है। ऐ जड़ी बैठी है? नहीं नहीं ऐ जड़ी थोड़ी सी बैठी है। एक्शन के बाद आपने भागते हुए उनके पास जाना है। मैंने भी भागना। अच्छा आपने भागना सिर्फ स्पीड पे, देखें ये एक्शन हुआ विनूरी। ये कर रहे बस आप। अच्छा ये मुझ में लगेगी जी और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। ये फिल्म का वाइंड अप है? नहीं नहीं इसके बाद भी सीन्स हैं आपके। एक्शन के बाद आपने सिर्फ हल्का सा चार्ज करना उनके ऊपर यूं करके। ये करना है आपने ठीक। खुसरे के बच्चे, मुझे तो इस तरह की डायरेक्शन दी तुमने। अब आपको समझ आ गया? जी आ गया। ठीक है जी स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। वे नूरी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तेरे ना प्यार करती हूँ, तेरे बगैर मर जाऊंगी नूरी। अच्छे वेरी गुड वेरी गुड। मैं जहर खाना ये नूरी, मैं तेरे नाल मर जाऊंगा। बात सुना कट करो। कट इट कट इट। अरे मौलिया ये गल है, अरे किसे खच्चर दे बचे ओ गंडासे ना सीन ही कट करा दे बल्कि सीन वाट दे। ओ ध्यान ना दफे दुफे ना मारो, 17 तो उत्ते जे। ए सिचुएशन तो लिखी है? मैं लिखी है? तेरा दौर फिर है मुँह। एक्सक्यूज मी बाजी। केड़ी बाजी? आपका मेरा सीन नहीं है। मैं तेनू प्यार करनी है। मेरा कसूर की है? मेरा दिल तेरे ते आ गया। तेरा दिल नहीं, तेरा फिर हाथ मेरे ते। राणो आप बाहर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी ब्रेक क्यों नहीं ले रहे? मैं नहीं ले रही। अल्लाह का वास्ता ब्रेक ले लो। नहीं मैंने नहीं ले रही। पानी पी लो तो से कहो। नज़रात हमारा सेगमेंट है वबा के दिनों में मोहब्बत, और आप जानते हैं जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ गुजारिश की थी कि नाम से जाहिर होता है कि जिस तरह हम इस बीमारी इस वबा को आजकल कॉम्बैट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका सामना सिर्फ हमें नहीं पूरी इंसानियत को है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अमरीकियों के लिए भी नहीं है, बिल्कुल इटालियंस के लिए चाइनीज़ के लिए भी नहीं है, तो हमारा शुमार तो कदरे बाद वाले लोगों में होता है। लेकिन हम सब कायम है इस बात पे कि हमने अपने ना सिर्फ इल्म में इजाफा करना है, हमने अपने दोस्तों की मदद करनी है जिन्हें इसका इल्म नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इंतहाई ज़रूरी है। चुनांचे इस शो में दिया गया एक मशवरा भी किसी की मदद कर सके, किसी एक शख्स की जान बचा सके, किसी इन्फेक्टेड की मदद कर सके, तो मैं समझता हूँ कि जो मेहनत हम कर रहे हैं ये रायगा नहीं जाती। फैसल शेरजान साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं, सर थैंक यू वेरी मच। और बिलाल अमजद इनके साथ एक यंगस्टर जिन्होंने टेलीमेडिसिन के हवाले से काफी कुछ कर रखा है, हम उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं फैसल साहब की तरफ। फैसल साहब ये मोट और टेलीमेडिसिन है क्या? देखें हर दफा ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी मरीज जो है वो डॉक्टर तक आ सके या उसकी डॉक्टर तक रसाई हो सके। आम हालात में हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, किसी गाँव में कोई मरीज है, इन्होंने मानसेरा में ऊपर पहाड़ों में जो गांव है वहाँ से लोगों को जो है कंसल्टेशन दिलाई है डॉक्टरों से जो लाहौर में बैठे हुए हैं। वाह आजकल के हालात में तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उसी हवाले से इन्होंने जो है 100 से ऊपर डॉक्टर्स इस वक्त जो हैं वो 24 घंटे अवेलेबल हैं रिमोट कंसल्टेशन के लिए। इनका जो प्लेटफॉर्म है instacare.pk उस पर आप जाके instacare.pk तो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको कंसल्ट किया जाए। किसी में भी थोड़े बहुत भी अलामात नज़र आते हैं कोरोना के कोविड के तो बेहतरीन तरीका है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएं और डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये और भी लोग कर रहे हैं, कल भी आई थिंक आपने बात की थी गवर्नर सर्वर की। जी जी उन्होंने बड़ा रिमार्केबल काम किया। सर्वर साहब हमेशा ऐसी चीज़ों में लीड लेते हैं और मैंने देखा है कि हेल्थ
उनका फोकस रहा। देखिए हेल्थ और एजुकेशन जो है ना, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। पढ़े लिखों में अगर शऊर नहीं है तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक खातून आजकल बहुत वायरल हो चुका है, उनका क्लिप, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बड़ी दर्दमंदाना अपील की, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है उसने बहुत शर्मिंदा किया। उन्होंने बड़ी इससे खफगी का इजहार किया, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए कहा कि हमारा कसूर क्या था, पुलिस हमारे घर आ गई। आपका कसूर यह है बीबी कि आपका कुक, आपका मुलाजिम, जिसके बारे में कोई शको शुबे वाली बात नहीं रही कि वो पॉजिटिव है, कोरोना वायरस पाया गया है, तो आपने सिर्फ उससे जान छुड़वाने के लिए उसको फारिग कर दिया, भी भागो तुम अपने गांव चले जाओ, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसने एक बस ली फिर दूसरी बस, कम से कम 200 बंदे को तो उसने रस्ते में लाजमन इन्फेक्ट किया होगा। खुदा से डरो, आप पढ़े लिखे हो, और ये भी नहीं कि आप बेवसीला हो, आपका नाम बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में आता है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। खबर है कि रेलवे कंपनी ने हाथियों को ट्रैक से हटाने के लिए शहद की मक्खियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सर इस गल की समझ नहीं आई वैसे। क्यों, किस चीज की समझ नहीं आई? ये हाथियों नु मक्खियों दे नाल पीछे तक रहे। मक्खियों का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि मक्खियों ने पुश करना है हाथियों को। इसमें क्या मुहिम है? मक्खी से भेड़ से, भेड़ होता है ना डेमू, मक्खी बहुत डरता है क्योंकि वो गौल के गौल एक स्वार्म होता है पूरा जी। और हाथी को घेर लेता है ना जब, क्योंकि हाथी उनके छत्ते खा जाता है पूरे के पूरे, वो शहद के भी और भेड़ों के भी। हाथी पूंड भी खा जाता है जी, जी। अरे हाथी बड़ा बड़ा पूंड है। फिर वो इस पे अटैक करते हैं पूरे स्वार्म की शक्ल में जी। और हाथी काफी मजीद सूझ जाता है। इस चीज को समझते हुए ये जो रेलवे कंपनी है ना, इन्होंने मुरादाबाद में एक इक्विपमेंट नसब किया है। वो की कर दे जी? वो ये करता है कि ये जो भिनभिनाहट होती है ना मक्खियों की, आवाज की, आवाज रिकॉर्ड की होती है उन्होंने बहुत ज्यादा, इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे फिर चलाते हैं वहां पे। हाथी आ जाता है रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो मर्जी का मालिक है, उसे किसने हिलाना है नहीं जी। और वहां पे बेशुमार हादसात हुए हैं जिनकी वजह से हाथी की बाकायदा नस्ल कुशी हो रही है। इंडिया में सर जी, मुरादाबाद इंडिया में है। ये तो मतलब हाथियों ने भी धोखा हो रहा है जी। जब कोई बात नहीं मानता तो फिर उसे धोखा ही देना पड़ता है। चलो उसने, उसकी जिंदगी भी तो बच रही है। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है पता नहीं सर। हालांकि तुम जैसों पर ही अप्लाई होती है। तुम जैसों पर, तुम दोनों पर, और